अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। एक और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ हाजिर हूँ। आज हम स्ट्रेटजी देखेंगे ट्रेंड लाइन की मदद से। ट्रेंड लाइन को आप इसमें ये भी सीखोगे कि ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और आप एक अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे कर सकते हो और उससे किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी में इस्तेमाल कर सकते हो। तो बात करते हैं ट्रेंड लाइंस। मैंने काफ़ी हद तक बैक टेस्टिंग की करके रखी हुई है ऑलरेडी, ताकि वीडियो का टाइम शॉर्ट से शॉर्ट रहे। ओके, तो सिंपल सा उसूल आपने जेहन में रखना है ट्रेंड लाइन लगाने का, कि जब भी प्राइस एक ऐसी टॉप बनाए और उसके बाद नीचे जाकर वापस आए, वापस आने के बाद एक नया टॉप बनाए, और इस टॉप, ये जो टॉप है ये इस वाले टॉप को ब्रेक ना कर पाए, यानी कि ये वाला जो हाई है पहले वाले हाई से नीचे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्राइस ट्रेंड में आ चुकी है या प्राइस ट्रेंड में आने वाली है, राइट। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, ये इंडिकेटर है आपके पास, ये आपके पास टूल है ट्रेंड लाइन लगाने का, इसको आप क्लिक करेंगे और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, राइट। तो आपने ट्रेंड लाइन लगाने के लिए क्या क्या चीजें ज़हन में रखनी है, डाउन ट्रेंड के लिए दो हाई, पहला हाई ऊंचा हो, दूसरा हाई पहले वाले हाई को ब्रेक ना कर सका हो, तो इसका मतलब है कि प्राइस ट्रेंड में है, राइट। तो आप दोनों हाईज को मिलाकर ट्रेंड लाइन लगाएंगे, जैसा कि मैंने यहां पर और यहां पर दोनों हाईज को मिलाकर ट्रेंड लाइन लगा दी। ओके, अब देखें इसको ट्रेड कैसे करना है। इसको ट्रेड ऐसे करते हैं कि इसका जो तीसरा टच होगा उसको आपने सेल करना है। सेल क्यों करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल का ट्रेंड था, ठीक है। ये हो गया पहला टच, ये हो गया दूसरा टच, और ये हो गया तीसरा टच। ओके, तो आपने इस वाले टच को ट्रेड करना है। ट्रेंड लाइन लगाई थी हमने दो टचेस को देखकर, ये पहला टच देखा, ये दूसरा टच देखा, दूसरा टच नंबर वन, नंबर टू, ट्रेंड लाइन लगा दी, समझे कि प्राइस यहां तक ही है, समझे कि प्राइस इससे आगे नहीं है, ठीक है। तो जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तीसरा टच करने जाएगी, आप इसको ट्रेड कर दोगे, राइट। इसमें एसएल थोड़े से बड़े रखने होते हैं, ताकि अगर एसएल हंटिंग हो तो आप उसकी जद में ना आए। या एक और तरीका ये हो सकता है कि यहाँ कहीं पर आप पेंडिंग सेल लगा सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रेटजी है। अब इसको देखते हैं आगे जाके कि ये कितनी कारामत है और ये कितनी मर्तबा ये वर्कआउट करती है और कितनी मर्तबा इस पे फेलियर आते हैं। पहली लाइन आपने ये देख ली, दूसरी लाइन ये देखें, दूसरी लाइन ये है, ये ट्रेंड लाइन का फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, और ये था इसका तीसरा टच। ये तीसरा टच ब्रेक हुआ हुआ है, राइट। एक्चुअली दो काम हो रहे होते हैं मार्केट में, या तो मार्केट रिवर्सल लेती है या मार्केट कंटिन्यूएशन करती है। जब कंटिन्यूएशन करती है तो वो बड़ी बार बना के जाती है, बड़े साइज की बार बना के जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक अलामत होती है, मतलब यहाँ पर एक, ये भी हम आगे आगे देखेंगे, इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे कि इस तरह की जब बार्स बने ना तो उस वक्त ट्रेड में नहीं आना, रिवर्सल ट्रेड में नहीं आना, उस वक्त कंटिन्यूएशन ट्रेड में जाते हैं, राइट। उस वक्त कंटिन्यूएशन ट्रेड में जाते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को आप कैसे कर सकते थे ट्रेड, ऐसे कर सकते थे कि इस यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पर पुल बैक किया ट्रेंड लाइन पर, तो आप इससे बाय में जा सकते थे, राइट। तो इस वाली ट्रेंड लाइन को आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन को किस तरह से ट्रेड करना है। अब आते हैं तीसरी वाली ट्रेंड लाइन की तरफ। मैं ये वाली डिलीट कर देता हूं ताकि चार्ट से थोड़ा
ओके okay. अच्छा जी, अगेन लो, ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये हाई और ये हाई, यही वाला कॉन्सेप्ट का वाइस वर्सा लोज के ऊपर भी अप्लाई होना है. ओके okay? तो ये लो पहला लो हो गया, ये लो हो गया दूसरा लो, पहला लो और दूसरा लो, राइट? तो अब क्या हमारे हमें क्या पता है, हमें क्या मालूम है कि तीसरे टच पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे. तो ये था तीसरा टच इस ट्रेंड लाइन का, राइट? तो यहाँ से आप बाय में जाते हैं तो प्रॉफिट आपके सामने कितना. ओके, आगे चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि इन बिटवीन ये इस एरिया में मैंने ट्रेंड लाइन क्यों नहीं लगाई, इस एरिया में ट्रेंड लाइन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये ट्रेंड था ही नहीं. ओके okay? तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना भी आप इस पे सीख जाएंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. अगेन फर्स्ट टच, अगेन सेकंड टच, एंड ये सॉरी ये रहा थर्ड टच, ये रहा, ये तीसरा टच था, राइट? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तीन मेरा उल्टा पुल्टा हो गया, मैं सही कर देता हूँ. ओके तो आप इस ट्रेंड लाइन के तीसरे टच को सेल करते हैं तो आपके सामने है, और इसके साथ साथ यही वाला सिनेरियो के साथ आप अपनी ट्रेडों को एग्जीक्यूट, मजीद ट्रेडे भी आप एग्जीक्यूट कर सकते थे. यहाँ पर एसएल हंटिंग हुई है, यहाँ पर एसएल हंटिंग हुई है चूंकि, लेकिन हम यहाँ से इस पॉइंट से ऑलरेडी ट्रेड में हैं, तो इसलिए एसएल हंटिंग हम पर इफेक्ट नहीं करेगी. और प्रॉफिट आपके सामने कितना प्रॉफिट है, यहाँ से ट्रेड में हम एग्जीक्यूट किया ट्रेड को और 139 पे का प्रॉफिट, राइट? इसको मैं अगेन डिलीट कर देता हूँ और आगे चलते हैं. अब आगे देखें, मैंने दो ट्रेंड लाइन लगाई हुई हैं. अब यहाँ पर आपके लिए बहुत मजे की चीज है, बहुत अच्छी आपके सीखने की बात है. चीज ये बात ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस हमेशा एक ही तरह के ट्रेंड में ट्रेवल नहीं करती. मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं, फर्ज करें आपने ये एक लगाई ट्रेंड लाइन, तो लाजमी नहीं है कि ये अगले कुछ महीनों तक, अगले कुछ सालों तक, अगले कुछ घंटों तक, अगले कुछ दिनों तक इसी एक लाइन लाइन के ऊपर ट्रेवल करे. ठीक है, ये क्या करेगी प्राइस, ये अपना एंगल, ट्रेंड का एंगल चेंज करती रहेगी. ओके okay? तो जब भी जहां से भी ट्रेंड का एंगल चेंज हो रहा हो, आपने ट्रेंड लाइन इस तरह से एक नई लगा लेनी है, राइट? तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए यहाँ पे लगाई थी ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और स्ट्रेटजी की जो अफादियत है वो भी आपको समझ में आ जाए. मैं इस वाली ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, मैं इस वाली ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ. तो ये था इसका पहला लो और यहाँ पर था इसका दूसरा लो. अब हमें तीसरे लो पे आना है. तीसरा लो इसका कहाँ पे है, यहाँ पर आ रहा है तीसरा लो. तो देखें, इतने टाइम के बाद भी जब भी प्राइस ने इसको टच किया तो तीसरे टच के ऊपर किस तरह से आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकते थे, और ये प्रॉफिट था आपका 110, 115 पिप्स, 115 पिप्स. ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है. अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि मिक्स मिक्स ना हो चीज़ें. अब देखें, अब इस वाली ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, ये देखें, ये सारी की सारी जो कैंडल्स हैं यहाँ पर, ये वाली जो कैंडल्स हैं, ये एक ही तरह से लो बनाती हुई जा रही हैं, एक ही ट्रेंड बनाती हुई जा रही हैं. तो मैंने इन तमाम को इस लाइन में ले लिया और दूसरा दूसरा लो मैंने ये ले लिया, ठीक है? दूसरा लो मैंने ये लिया, पहला लो मैंने ये ले लिया, राइट? और तीसरे टच के ऊपर आप देखो कि किस तरह से ये, ओ माय गॉड, यहां से आप जरा कैलकुलेट करके देखें तो आपको अंदाजा होगा कि यहां से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर आपकी बनती थी और ये 305 पिप
तक प्रॉफिट में गई है। ये एक ट्रेड है जो 305 पिप तक प्रॉफिट में गई, लेकिन इसके साथ आप और क्या कर सकते थे, आप इसके साथ स्केलिंग कर सकते थे। ओके, यहां से एक और ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती थी, यहां से एक और ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती थी, राइट। तो ये जो 305 पिप का प्रॉफिट था, ये आपका एक्चुअली कोई 800-900 पिप होने जा रहा था, सिर्फ इस एक बेहतरीन किस्म की ट्रेंड लाइन लगाने की वजह से। ओके, अब आगे और देखते हैं कि हमारी ये स्ट्रेटजी किस हद तक वर्कआउट हो रही है। मैंने सारे को एज अ हाई ले लिया, और यहाँ पर मैंने एज अ हाई, यहाँ पर मैंने फर्स्ट हाई लिया, यहाँ मैंने सेकंड हाई लिया, राइट। और यहाँ पर देखें थर्ड टच के ऊपर देखें किस तरह से फैंटेस्टिक किस्म का प्रॉफिट है। और पिप्स को कैलकुलेट करें तो अंदाजा ही नहीं कर सकते आप कितना प्रॉफिट अंदाजा कर सकते हैं। मैं चार्ट को यहाँ पर लेकर आता हूँ। ये हमारा ट्रेड, यहाँ से हमारी सेल एग्जीक्यूट होनी थी, यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट 535 पिप्स। जबरदस्त, तो इतनी अच्छी जबरदस्त चीज है ये, राइट। और इसके बाद भी आप ये देखो ट्रेंड लाइन आपने ट्रेड में यहां से एग्जीक्यूट कर दिया, इसके बाद भी देखो कि ये रेस्पेक्ट हो रही है, राइट। इसके बाद भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you very much. Allah Hafiz.